बीजेपी को सारी जो अपनी नाकामियां उनको छिपानी है ना, तो इस टाइम पे वो यूसीसी ले आए। रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई आए दिन इतनी बढ़ती जा रही है। अरे मणिपुर की तो बात कीजिए, मणिपुर के लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं आप। तो ये पोस्टर कहता है कि मोदी जी आपका देश जल रहा है, देश का एक हिस्सा जल रहा है, और कुछ तो बताइए, कुछ तो कहिए। अभी फ्रांस को इतनी कवरेज मिल रही है क्यों? जब अपना घर जल रहा होता है तो पहले अपना घर बचाया जाता है या दूसरे घरों की हम बात करेंगे? राजनीति की रोटियां ना बीजेपी सेकती है, वो इद्दत पीरियड, हलाला विवाह, सिर्फ उन चीजों का हवाला देके ये यूसीसी मतलब मुसलमानों पे एक वो करते हैं। तो ये सिर्फ एक धर्म का एक प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आम आदमी की थाली से टमाटर प्याज आलू जैसी बेसिक चीजें भी अब गायब होती जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी गिरी। अभी आप देख रहे हैं यहां पे तमाम भीड़ है और कांग्रेस के लोग यहां पे आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी भीड़ है और ये प्रोटेस्ट चल रहा है यहां पे, जो कि मणिपुर हिंसा को लेकर चल रहा है। आपको पता ही होगा 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और मणिपुर की हिंसा अभी तक रुकी नहीं है, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं आया। यहाँ पे उपलब्ध लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि क्या का कहना है। ये पोस्टर अपने जो खास तौर पे दिखा रहे हैं, मोदी जी के मुंह पे चेन लगा हुआ है, क्या कह रहा है ये पोस्टर? ये पोस्टर कह रहा है कि जब भी मोदी जी से कोई वैलिड क्वेश्चन किया जाता है, जब वो देश में किसी भी मुद्दे से रिलेटेड हो, तो वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं और नजर ही नहीं आते कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। तो ये पोस्टर कहता है कि मोदी जी आपका देश जल रहा है, देश का एक हिस्सा जल रहा है, और कुछ तो बताइए, कुछ तो कहिए कि उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जो वहाँ पे आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए, हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने इंजर्ड हैं, तो क्या रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं, क्या उनके लिए एक्शन फर्दर प्लान्स हैं? तो बस ये पोस्टर वही डिमांड कर रहा है मोदी जी को। अमित शाह वहाँ पे गए थे, दौरा किया था, बैठकें भी कर तो रहे हैं, तो और आप क्या चाहते हैं? नहीं, बैठकें कर रहे हैं अमित शाह जी, आई थिंक बहुत बाद में गए हैं, जब राहुल जी ने डिसीजन ले लिया और अपोजिशन ने क्रिटिसिज्म किया कि प्रधानमंत्री जी कहीं नहीं जा, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो वहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तब जाके अमित शाह जी का दौरा हुआ। और वो तो एक फॉर्मेलिटी थी क्योंकि अपोजिशन ने इतना प्रेशर बना दिया था, तो जस्ट एक दिखावा था। उसके अलावा मैं शायद 1-1.5 महीने पहले की बात बताऊँ तो जंतर मंतर पर ही मणिपुर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कहीं नहीं था। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब साइलेंट है। अभी फ्रांस को इतनी कवरेज मिल रही है क्यों? जब अपना घर जल रहा होता है तो पहले अपना घर बचाया जाता है या दूसरे घरों की हम बात करेंगे? तो हमारा जो गोदी मीडिया भी है वो भी कवरेज दे रहा है फ्रांस को। अरे मणिपुर की तो बात कीजिए, मणिपुर के लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं आप। बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो मणिपुर की भी इस टाइम रूलिंग पार्टी है। अच्छा, तो राहुल गांधी तो गए थे, क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, एक लोकतंत्र में विपक्ष को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो हम ऑपोजिशन हैं, राहुल जी एक ऑपोजिशन है और वो उस आधे से कम आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने हमें एक स्ट्रांग ऑपोजिशन बनाया है, विपक्ष बनाया है, तो उनका जाना बिल्कुल जायज है। एक तो लोगों की देखना भी कि वो किस हालत में है, क्या एक्चुअली चल रहा है, और दूसरा उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि मेरा देश का एक हिस्सा जल रहा है तो देखें क्या हो रहा है। ये जिम्मेदारी है कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? देखिए, राजनीति की रोटियां ना बीजेपी सेकती है, क्योंकि अभी हम बहुत हाईलाइटेड है यूसीसी, तो ये बीजेपी को सारी जो अपनी नाकामियां उनको छिपानी है ना, तो इस टाइम पे वो यूसीसी ले आया, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है 9-10 महीने के बाद, तो ताकि जो भी सारे मुद्दे थे जिनमें सरकार विफल है, जो भी उसकी आज तक की नाकामियाँ हैं, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठेगा, लोगों को एक ज्वलंत मुद्दा दे दो, यूसीसी। तो राजनीति और रोटियां तो बीजेपी सेकती है, कांग्रेस तो एक विपक्ष होने के नाते अपना काम कर रही है ना, हम सत्ता में है ना कुछ है, पर हम जो हमारा बनती है जिम्मेदारी हम उसको पूरा कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं काम गिना रहे हैं, 9 साल बेमिसाल रहा, तो 9 साल बेमिसाल थे तो यूसीसी तब तक कर देते ना, क्यों जब भी कोई इलेक्शन आता है तभी ऐसे कदम क्यों उठाए जाते हैं? 9 साल बेमिसाल इतने थे यूसीसी पे, वो बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो क्यों इतना पीछे पड़ रहे हैं। अभी उन्हीं के मंत्री थे बृजभूषण, हमारी महिला रेसलर्स बैठी हुई थी, एक FIR तक नहीं हुई। आप इतना ही काम बता दीजिए कि आपके जो मिनिस्टर हैं वो भी इक्वली ट्रीट किए जाएंगे और आम जनता भी।
तो ये जो है ना, ये सिर्फ दिखावा है। जो कुछ अंधभक्त है और हमारी जो बेचारी मासूम जनता है उसको बेवकूफ बनाने के लिए ये समय की 9 साल बेमिसाल राजनीति करी है ना बीजेपी वालों ने। करा क्या है, एक मुद्दा होता है उसके खिलाफ वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो मुद्दा ही बिल्कुल डाइवर्ट हो जाता है। उनका उनका तो काम ही डाइवर्ट करना है हमारे अपोजिशन को, हमारी जनता को। वो डाइवर्ट करते हैं, आप डाइवर्ट हो जाते हैं। हम क्यों होते हैं, हम नहीं होते, लेकिन जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना वो। हम लोगों को तो जनता को जगाने का काम कर रहे हैं और हम अपने काम करते ही रहेंगे। कैसे जगा रहे जनता को? जनता को जगा रहे हैं हम। देखिए आप राहुल जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी मणिपुर गए, लेकिन वहाँ पर हमारे बहुत से रिलीफ कैंप चल रहे हैं हमारे IYC की तरफ से, हमारे कांग्रेस की तरफ से। वहाँ पर बच्चों को बहुत सारा हम खाने पीने का सामान डोनेट कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हम मुहैया करा रहे हैं उन्हें। इससे जनता जाग जाएगी? ऑब्वियसली जागेगी। जहाँ जनता को उनके हक क्या मिलेगा वो जागेगी, ऑब्वियस सी बात है। क्या लगता है 2024 लोकसभा में? देखिए हम इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। जहाँ हमें हमारी लोगों को ज़रूरत है हम वहाँ जाएंगे और हम अपना एफर्ट करेंगे उनको पूरा करने की, उनकी ज़रूरतों को। अच्छा मैम, आपने UCC को कहा कि अब उनके पास कुछ नहीं रहा, तो आपको दिक्कत क्या है? एक राष्ट्र में एक कानून हो, इसमें समस्या क्या है? मुझे बस ये बता दीजिए UCC से बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि ना ये एक कानून एक राष्ट्र वाली बात नहीं है। शायद आप, मैं, या अगर हम तीन घर कहें तो तीन घर में अलग तरह के कस्टम्स, अलग तरह के बिलीव्स होते हैं। तो ऐसे ही अगर कुछ कुछ रिलीजन में, जैसे अभी UCC पे कुछ बात नहीं कर पाते, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। ये सिर्फ ले जाते हैं कि मुस्लिम जो औरतें हैं प्यूबर्टी के बाद वो शादी हो जाती है, वो इद्दत पीरियड, हलाला विवाह, सिर्फ उन चीज़ों का हवाला दे के ये UCC मतलब मुसलमानों पर एक वो करते हैं, धर्म को बांटते हैं। पर आप मुझे बताइए कि कानून तो क्या कहते हैं, चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट भी हैं, पर कितने हिंदुओं में, आप अगर थोड़ा सा रूरल एरिया में जाइए, शायद मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे एक मेजॉरिटी में ही एज में शादी हो रही है, सब माइनर चाइल्ड्स की शादी हो रही है। तो क्या एक्शन लिए जा रहे हैं बता दीजिए, कौन सा लीगल मतलब एक्शन है स्ट्रॉन्ग और लड़कियाँ वहाँ पर सिक्योर है? तो ये सिर्फ एक धर्म का एक प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उनको अपनी नाकामियों को छिपाना है, तो इसलिए कि UCC ले आए ऑफकोर्स। बट UCC से आप मेरे अपने लिए राष्ट्र के लिए बेनिफिट गिना दीजिए तो मैं भी शायद समझ जाऊँगी। आप, हम लाए थे, कांग्रेस लाई थी शिक्षा का अधिकार 8th क्लास तक, आप उस शिक्षा के अधिकार को 12th तक कर ले देते, वो ज़्यादा कॉन्क्रीट था और वो आपका काम दिखाता, पर शिक्षा में तो आज तक कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट एक आम आदमी की थाली से टमाटर प्याज आलू जैसी बेसिक चीज़ें भी अब गायब होती जा रही हैं। तो आम आदमी तो अपने सर्वाइवल को ही समझ बैठा है कि ये मेरे जीने का अधिकार है, इतना मुझे मिल रहा है, यही एक लोकतंत्र वाली सरकार मुझे दे सकती है। तो आम आदमी को क्या संदेश देंगी, कैसे जागे आम आदमी, कैसे समझे बातों को मोदी जी? देखिए आम आदमी इस टाइम बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी अपनी ही उलझन ही नहीं ख़त्म हो रही है, उसको दो वक्त की रोटी ही मुश्किल से हो रही है, रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, महंगाई आए दिन इतनी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल इन सब के दाम भी इतने बढ़े हुए हैं, तो ऑब्वियस है कि सभी चीज़ों पर असर पड़ता है। तो वहाँ पर रिलीफ नहीं मिल रहा, वो बेचारा कहाँ से करे? पर जैसे कि आज हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और हम मणिपुर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो बस हम अपोजिशन होने के नाते हम जनता की आवाज़ को जगह तक, सही जगह तक, सही कानों तक पहुंचा रहे हैं और जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं कि देखिए ये हमारे देश के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ गलत हो रहा है और हमें एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अच्छा एक सवाल बड़ा आता है कि मोदी जी को इस बार हटाना है, तो इस बार अगर मोदी जी को हटाना है तो मोदी जी को कौन रिप्लेस करेगा? कौन है ऐसा बड़ा नेता, कौन है ऐसा बड़ा चेहरा? नहीं, इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि सारा विपक्ष है, सब कुछ है, वो सब अलग बात है। बट ये आप कह सकते हैं कि मोदी जी के नाम पे ही पूरा इलेक्शन होता है, तो उनको हराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग चेहरा चाहिए ना? अब नहीं, क्योंकि जो भगदड़ आप बीजेपी सरकार में देख रहे हैं, कल ही देखिए अजीत पवार जी ने ज्वाइन कर ली शिंदे सरकार, तो ये जो डर है बीजेपी के अंदर, नहीं तो वो इतनी रैलियां कर्नाटक में नहीं करते, अमित शाह भी, मोदी जी भी, सब जाके नहीं पहुंचते, बड़े बड़े नेता। अब तो जिस एक एक स्टेट में इलेक्शन होना है, जो कभी नहीं भी जाते थे, मणिपुर क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ इलेक्शन नहीं होना है, वहाँ मोदी जी नहीं गए, मोदी जी बाहर जाते हैं, मोदी जी फ्रांस की बात करते हैं, इनका गोदी मीडिया फ्रांस फ्रांस की बात करता है, मणिपुर की बात क्यों नहीं करते हैं? 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, मणिपुर को क्यों नहीं कवरेज मिलती है? तो ये जो है मोदी जी और बीजेपी की हालत टाइट है, वो सब जानते हैं कि उनकी ऐसी नीतियां नहीं थी, उनके काम ऐसे नहीं थे कि जनता उनको फिर से लाए, तो इसीलिए यहाँ पे साठ गांठ चल रही है, जोड़ तोड़ चल रही है, और ये लोग किस तरह से दूसरी पार्टी या ऑपोजिशन को कहाँ ला सकते हैं, कितना क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ये सब चल रहा है।
तो जैसे कि आपने सुना कि लोगों में खासा नाराजगी है और बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है वो प्रोपेगेंडा है और जातिवाद को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं मणिपुर को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए जनहित आवाज़।